बड़हलगंज में शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज से 11 शिक्षकों के निष्कासन के बाद अब फ्राइडे हाफ डे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। इसके अलावा कॉलेज के छात्र अभिषेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि वह जब कॉलेज में तिलक लगाकर विद्यालय जाते हैं तो कॉलेज से नाम कटवाकर कहीं और पढ़ने की धमकी दी गई है और कुछ छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया गया है जो कि कहीं और पढ़ रहे हैं। वहीं निष्कासित अध्यक्ष अभिमन्यु यादव ने कहा कि हम लोग विद्यालय में 18 साल से पढ़ रहे थे और कोविड में बिना सैलरी के पढ़ाया गया। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य से पैसा मांगा जाता था तो वहां आनाकानी करते थे। इसके अलावा हम लोग रक्षा सूत्र व तिलक लगाकर विद्यालय जाते थे जिसकी वजह से हम 11 अध्यापकों को निकाल दिया गया और हर शुक्रवार को हाफ डे कर दिया जाता था। मीडिया से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने कहा कि मामला प्रकाश में आया है और पाया गया है कि बोर्ड द्वारा जो निर्धारित स्कूल चलाने की शर्त है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और वहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम कराए जाते हैं और अध्यापकों व छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसकी जांच के लिए मंगलवार को टीम भेजकर जांच करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे व स्कूल के स्टाफ के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि यह चीजें जांच में सही पाई जाती हैं, तो विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए, सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र अभिषेक त्रिपाठी, निष्कासित अध्यापक अभिमन्यु यादव व DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह ने कहा, मैं किस फूर्ति स्फूर्ति के साथ पूरे विद्यालय को देखता हूं। आते ही आते मैं गेट के पास खड़ा हो जाता हूं, सारे बच्चों का ड्रेस चेक करता हूं और कहीं कोई लड़का अगर दंगा फसाद या मारापीटी करता है तो सर मुझे बुलाया जाता है। मैं देखता हूं ऊपर से नीचे तक, सर मैं देखते रहता हूं और बच्चों से पूछा जाए एक बार भी मुझे कोई सुस्त नहीं पाया होगा। और सारे विद्यालय के अगर कोई दिक्कत होती है, बाहर से गार्जियंस आते हैं तो उसका निराकरण मुझे बुलाकर कराया जाता है जी, और उसको मैं बड़ी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। सर मुझको मुझसे एक बार ये बोला गया था कि मैं सोफा और तिलक लगाता हूँ, मुझसे एक बार यह बोला गया था कि आपको प्रिंसिपल बनना है कि नहीं, यदि प्रिंसिपल बनना है तो इसको हटा दीजिए। सर मैं नहीं हटाया, लेकिन डर के मारे मैं नहीं बोला कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे रोटी रोजी का संकट आ गया। लेकिन हुआ यही सर, मुझे इलाहाबाद बोर्ड से हाई स्कूल इंग्लिश विषय के लिए परीक्षक बनाया गया था जी, बोर्ड से लेटर भी आया था और मैंने कहा मुझे कार्यमुक्त कर दिए, मुझे मूल्यांकन में जाना है और मुझे मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा गया। और उसके ठीक दो तीसरे रोज मुझे जो है बिना कारण बताए बुला करके कह दिया जाए कि आपकी सेवा समाप्त है। मैंने एक दो सवाल किए सर कि मुझे लिखित नोटिस दिया जाए, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। शाम तक जवाब देने की बात आई थी, नहीं दिया गया। और मैंने कहा कोरोना काल में जो आपने मेरा बकाया पैसे नहीं दिए हैं वो मुझको दे दीजिए, मैं कर्ज में हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इलाहाबाद गोरखपुर, मेरी बिटिया BTC कर रही है, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह तंग हूँ। यहाँ तक कि मैंने विद्यालय के सेक्रेटरी माननीय इकबाल सर से मैंने 10,000 रुपये कर्ज लेकर के मैं अपने बच्चे को भेजा था जी, और मैं बेहद पीड़ित हूँ, मेरे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, मुझे बेवजह निकाला गया है। और सर जब मैं कहा कि मैं जाऊँगा काफ़ी जाँचने और नहीं जाने दिया गया, और जब मैं विरोध किया, विरोध क्या किया, मैंने नॉर्मली बात किया, लेकिन सरोज मैडम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं घोर शिकायत करके लिखित दे करके, और उन्होंने मुझे ही नहीं, मैं अभिमन्यु यादव के साथ साथ राम सिंह यादव जो कि मैं 18 साल से पढ़ाता हूं, स्कूल की न्यू परिसर से पढ़ाता हूं, राम सिंह सर 300 साल से पढ़ाते हैं, उमेश यादव 5 साल से पढ़ाते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है, सारे बच्चे जानते हैं, साथ ही साथ प्रियंका सिंह इंग्लिश की टीचर रही हैं उनको निकाला गया है, और अशोक गुप्ता जी को निकाला गया है, लक्ष्मीकांत प्रजापति को निकाला गया है, और आकाश कुमार मौर्य को निकाला गया है, किसी को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी की गई है। मेरा निवेदन है कि अगर निकाला गया तो ये कोई रूल नहीं है, कम से कम मुझे एक महीना पहले
इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुझे नोटिस देना चाहिए कि आप अपने कार्यशैली बदल लीजिए अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिना कारण बताए हमें जमीन पला दिया गया। हम आज विवश होकर के धरने पर बैठे हैं। मैंने अपनी बात व्हाट्सएप के माध्यम से SDM साहब को और अन्य अधिकारियों को भेज दिया है। मैं मजबूर होकर के, विद्यालय प्रशासन ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। मैंने अभी आज सरोज मैडम से बात किया, वो कहते हैं कि आप बैठ के पढ़ाते हैं, आप सोते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जांचा जाए तो मेरे पास प्रूफ है, 2-3 अध्यापक सोते हुए पाए गए हैं और उन्हें नहीं निकाला गया है, और मैक्सिमम हिंदुओं को निकाला गया, टारगेट बना करके निकाला गया है। ये साजिश के तहत किया जा रहा है। मेरे साथ न्याय हो, यही मांग है। सारे अध्यापकों के साथ न्याय हो, मेरी यही मांग है। और कोरोना काल का जो कर्जा लगा है सर, हम लोग अभी तक देख नहीं, कोरोना काल का फीस आप वेतन नहीं पाए हैं? वेतन नहीं पाए हैं कोरोना काल, कितने सारे बच्चों से फीस हुआ, कितने महीने का बकाया होगा सर? महीने का नहीं, साल की। अच्छा, सालों का बकाया है। 2000-3000 केवल हम लोगों को दिया गया, और हम लोगों को विद्यालय प्रशासन एवं जी कमेटी के सदस्यों ने कहा सर हम आप लोगों के लिए सब्जी के लिए दे रहे हैं, बिना वेतन का हिसाब बिना किए निकाल दिया। बिल्कुल बिना हिसाब किए निकाला गया है। और मुझे कई बार धमकी भी दी गई कि अगर विद्यालय में तिलक लगा के आना है तो विद्यालय में ना पढ़ो, अपना एडमिशन NIC में करवा लो। कई बार मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया गया और नाम काट के निकाल भी। अभी ये है कंडीशन कि मैं जिस शबनम में मैं काफ़ी कई सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, आज निकाले जाने के संदर्भ में तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही हमें किसी प्रकार की नोटिस दी गई। विगत 18 वर्षों से सर मैं स्वयं इस विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के तौर पर काम करता रहा हूँ, और मामला निकाले जाने का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें मैं मूल्यांकन के लिए परीक्षक बनाया गया था, अंग्रेजी कोड 917। जब मैंने प्रधानाचार्य से कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए, यह अनिवार्य ड्यूटी है क्योंकि मेरे ऊपर FIR हो सकता है, उन्होंने जाने से मना कर दिया, और अगले ही दिन 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा निष्कासन कर दिया। मैं क्यों हुआ सर? क्योंकि उनके विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं, पूरा वेदना पीड़ा हम अध्यापकों को देते हैं। और ये वजह भी हो सकती है कि हम लोग तिलक लगा के आते हैं, रक्षा सूत्र लगाते हैं, प्रबंध समिति के एक सदस्य के रिश्तेदार मुझसे खुद आके बोला कि मनु यादव जी आपको प्रिंसिपल बनना है तो आप ये टीका और साफा उतार दीजिए, ये क्योंकि विद्यालय मुस्लिम विद्यालय है इसमें यह नहीं चलेगा। सर आप बताइए, मैं हिंदू धर्म से हूँ, टीका लगाना मेरा अधिकार है, सनातन धर्म है, मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृत है, मैं कैसे टीका लगाना छोड़ दूँ, मैं कैसे रक्षा बांधना छोड़ दूँ? ये तो सरासर गलत है। अब आपकी कम्युनिटी की बात है तो अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आप मदरसा चलाइए, हिंदू टीचरों को मत रखिए, मुस्लिम टीचरों को रखिए, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ऐसा क्या है, कोरोना काल में सर 2 साल तक हम लोगों को बिल्कुल ही विद्यालय में बुला करके पढ़ाया जाता था और बिल्कुल पैसा फुल सैलरी नहीं दी गई। 2000 का ही आप स्कूल से इसलिए निकाले कि आप लोग टीका कलावा लगा वो करते हैं तभी? जी, ये ज़्यादा प्रसंग है टीका लगाने से। दूसरा प्रसंग है जो सैलरी बाकी थी, सैलरी को मैं बार बार उनसे मांगा करता था कि सैलरी सर हमारी कब देंगे, ये दूसरा प्रसंग हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? जी अभिमन्यु यादव, अंग्रेजी प्रवक्ता, शबनम इंटरमीडिएट कॉलेज बड़हलगंज। बच्चे की दिया है उसमें 2-3 चीज़ें किया गया है कि जो एक तो जो हमारा बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य समय का डिटेल है, पर डे का जो कार्यक्रम होता है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, और कुछ और इशू बताया गया है कि वहाँ पे कार्यक्रम शादी विवाह जैसे भी कार्यक्रम कराए जाते हैं, और किसी तरीके का और भी कुछ भेदभाव की चीज़ें बताई बच्चे ने। इन बिंदुओं पे कल मैं एक टीम को भेज करके चेक कराता हूँ, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि जो मान्यता होती है विद्यालय की उसमें बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है, जो टाइम टेबल है, समय सारणी जिसको कहते हैं, उसके अनुसार ही विद्यालय चल सकता है। किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी वहाँ पे स्टाफ के साथ कोई भेदभाव नहीं कराया जा सकता। अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो जो भी मान्यता
की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी की बात, यही चीज कहा ना कि जो समय सारणी है बोर्ड के द्वारा जो टाइम टेबल निर्धारित है उसके विपरीत कोई आचरण नहीं कर सकता। धार्मिक आधार पर अध्यापकों को हटाए जाने की बात आ रही है, अब ये चीजें तो चूंकि अभी आज संज्ञान में आ रहा है तो इसको चीज को हम जांच कराएंगे। अगर किसी भी आधार पर कहता है ना कि भेदभाव या कोई भी चीज जो भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त चीजें हैं उसके विपरीत कोई आचरण नहीं कर सकता, स्पेशली शिक्षण संस्थाओं में तो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जांच के लिए आपने आदेश दे दिया सर? हाँ, कल हम टीम भेज रहे हैं, इस चीज का पूरा एश्योर कराएंगे। कितने शिक्षकों को निष्कासित किया गया है? अब ये चीजें चूंकि अभी तो संज्ञान में आ रही हैं और चूंकि कभी कोई हमारे पास कंप्लेंट आई नहीं है किसी की, न बच्चे की आई है न कोई किसी टीचर के पास आई है, लेकिन जो अभी आपकी ऑडियो क्लिप और वीडियो दिखाया है उसके आधार पे जो भी चीज़ें उसमें बच्चे ने कही है उन समस्त बिंदुओं का हम जांच कराएंगे। सर, दोषी पाए जाते हैं तो क्या किया जाएगा? दोषी पाए जाने पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि विद्यालय का जो मानता है उसकी शर्तों में इस तरह चीज़ें नहीं होती हैं उसका उल्लंघन है, माता प्रतारण किया जाएगा। और अगर कोई इसी ने इसके अलावा किसी के साथ गलत आचरण किया है, भेदभाव किया है, किसी के साथ धक्का मुक्की या इस टाइप की चीज़ें की हैं तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध।